मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र के ग्राम जैतिया सादुल्लापुर में पिछले 15 सालों से सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा है, जिसमें हर 5 साल में पंचायत सदस्य वोट मांगने आते हैं, विधायक और एमपी भी आते हैं। 15 सालों में 3 बार जिला पंचायत सदस्य बदले, विधायक बदले, सांसद बदले, लेकिन नहीं बदला तो यहाँ का दुर्भाग्य। आपको बता दें कि यहाँ की हालत काफी खस्ता है, सड़कें बेकार हो चुकी हैं, बरसात के दिनों में यहाँ आए दिन पानी भरता है और लोग परेशान होते हैं। नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और मोदी सरकार बड़े बड़े वादे करती है, समस्याओं के समाधान की बात की जाती है, लेकिन सिर्फ कागजों पर, धरातल पर कुछ नहीं। जिला पंचायत सदस्य जगत सिंह सैनी, जो कि अपने देवापुर के रोड को नहीं बनवा पाए, वो भला दूसरे एरिया के रोड को क्या बनवाएंगे। फोटो खिंचवाने के लिए नेतागण बस झाड़ू हाथ में लेते हैं और विकास कार्य की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में कुछ भी नजर नहीं आता। हमारे चैनल की टीम द्वारा ग्राम जैतिया सादुल्लापुर का दौरा किया गया, गांव के लोगों से उनकी समस्याओं को सुना गया। गांव के लोगों ने बताया कि जगत सिंह सैनी जब से जिला पंचायत सदस्य बने हैं, तब से गांव की तरफ एक बार भी नहीं देखा। वोट मांगने के समय तो हमारे पैरों पर गिर जाते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन काम करने के नाम पर सब कुछ शून्य है। एक तरफ केंद्र सरकार और यूपी सरकार सिर्फ बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन धरातल पर कुछ नजर नहीं आता। जब महिलाओं से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे गांव में मंदिर भी है और स्कूल भी है। जितना पानी मंदिर के सामने रहता है, उतना ही पानी स्कूल के सामने भी रहता है, जिसकी वजह से आए दिन काफी दिक्कत होती है। बैटरी रिक्शा, गाड़ियां पलट जाती हैं, लोग चोटिल होते हैं, बच्चों को भी चोट लगती है और बच्चे पानी में गिर जाते हैं। इस गांव का बहुत बुरा हाल है। देखना होगा कि बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य जगत सिंह सैनी की आंखें कब खुलती हैं और इस ओर विकास कब आता है। दिक्कत यह है कि ये सड़क कहां का 4-5 किलोमीटर से सड़क खराब है, ना ही कोई एमएलए एमपी, ना ही कोई विधायक सुनता है यहां पे। वो किसी शिकायत करते हैं तो यहाँ पे कुछ सुनाई नहीं होती, सुनवाई नहीं होती। और यहाँ पे यहाँ के जिला पंचायत सदस्य कौन है? ये जगत सिंह। तो कब से नहीं आए सड़क? वो तो आते नहीं, बोर्ड जब से बोर्ड वो जिला पंचायत का इलेक्शन जीते हैं, जब से तो देखने आए नहीं आए यहाँ पे। तो आपने शिकायत की है उनसे? शिकायत करी, मैं कोई सुनता नहीं। शादियों में क्या क्या देते हैं? क्या इतने हो जाएगी? अच्छा, कोई ब्याह शादी होती है तो आते हैं? तो आते हैं, किसी के चले जाते हैं, फिर घूमने आते हैं। घूमने आते हैं कभी रोड के बारे में? नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती। और यहाँ पे कई बार रिक्शा भी पलटा है, मोटरसाइकिल भी गिरी है, और देखो सामने कितना पानी भरा हुआ है। कितनी दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत बहुत दिक्कत है, चलने की परेशानी है। अभी तो बारिश हुई नहीं है, बारिश हो जाएगी तो और यहाँ पे तो तालाब भर जाता है। दिक्कत तो यही आ रही है, बैटरी लोड जहाँ है गारा हो रहा है मेरा। तमाम कब से ये रास्ता नहीं बना? कैसे, मेरे ख्याल में 8-10-15-16 साल हो गया। नहीं, 15-16 साल से रास्ता नहीं बनी है। कभी यहाँ पे जो प्रधान है उनसे शिकायत की है या जो जिला पंचायत सदस्य हैं तो उनसे कभी शिकायत की है आपने? करी तो उन्होंने, करवाई तो ही किसी ने नहीं करवाई। छोटे छोटे में अभी तो बरसात छोटी है, बारिश में क्या हाल हो जाता होगा? क्या हाल हो जाओ, तो गिर गई है सब, बैटरी लौट लौट गई यहाँ पर, चोट लग गई है बहुत जनों के। बहुत दिक्कत आ रही है, यहाँ तक निकलते हैं तो जब बारिश पड़ती है तो इतने पानी हो जाते हैं यहाँ घुटलो, और क्या निकलने भी बहुत परेशानी होती है। रास्ता बहुत खराब है। कितने गांव का रास्ता है यहाँ? यहाँ एक ही गांव है और इधर के गांव है, दो तीन गांव है। तो सब इसी रास्ते से निकल के जाते हैं? हाँ जी, और मोटरसाइकिलें भी गिर जाती हैं, बालक पढ़ने जाते वो भी गिर जाते हैं। तो कब से ये रोड नहीं बना? अरे मुझे तो, मैं तो 10 साल से देख रहा हूँ, वैसे तो बहुत पुराना आए, जब से हो संवारा ऐसे ही है मेरा तो। जगत सिंह से कभी शिकायत की है? जगत सिंह आवे शादियों में आते, भैया शादियों में, वैसे तो आते नहीं है वो। वैसे नहीं आते? नहीं भाई, जब कोई शादी वगैरह होती है? हाँ, तो शादियों में आते हैं, वो कार से निकल जाते हैं, उन्हें पता चल गया। अच्छा, वोट के टाइम पे क्या कह रहे थे? वोट के टाइम पे तो उन्होंने जिम्मेदारी ली, लिख के देने तैयार है, काम परवांगे पहले जाते सदरपुर का, इसलिए वोट दिया था। पहले हासिम को दिया था वोट, फिर क्या कहें, मैं उसे जगत सिंह सैनी के ताई, उसने वो भी नहीं आ रहा, क्या कर रहा है, विधायक भी नहीं आता यार। वैसे तो कहते हैं सफाई करो गांव में, सफाई कहाँ से होवे, इतनी गंदगी कर रखी है। तो वोट मांगने के नाम पे आपका आया कोई, सबको रोक देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे।